नमस्कार, मैं जीवन ज्योति आज फिर तुंदे सामने ले ही आई हैं अपने डुगर का एक और स्वाद जिदा ना है तरकीरा या तरखीरा भी आखदे लोग। इहदे आस्ते असें कनक ले ली है। कनक असें पहले साफ सुथरी कर ली ही कि कोई बट्टा बुट्टा नहीं होए बिच जां रेत का कोई कन नहीं होए। तो बस इतने मैं कोई 3.5 कोलियां कनक ले ली है। तुस चाहो तो वध घट भी ले सकदे हो। एक कनक हुन मैं सेड़ लैनी। इसी असें सेड़िए 2-3 दिन आस्ते रखने पौना। अजकल जियां गर्मियां ना कई बारी 2 दिनें च भी कम हो जांदा। इत्थे मैं ये 2 दिन अज इसी मैं लगी हां दिक्खन। इहदा पानी असें बड़ले ते तरकालें बदलने पौंदा। कनक दा दाना जड़ा है मंदोआ दा, पर थोड़ा जिहा दवाई है मंदोआ दा, इसी असें फिर सेड़ने पौना दोबारा। तो सेड़ी असें इसी रखने पौना। बस इ'यां धोइए छोड़दे जाना ते रखी ओड़ना। ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि कनक जेह्ड़ी ऐ साढ़ी ओह् बिल्कुल मंदोई जंदी। जिसलै असें अगले दिन दिक्खने आं, दिक्खो हां सवेरे अस दिक्खने आं जिसलै, ते उप्पर एह्दे इ'यां बज्जी गेदी होंदी मलाई जान। इसी असें साफ सुथरा करी लैना। कनक जिन्नी थुआढ़ी साफ सुथरी होई दी होग, नकेब कीती दी होग, तुसें निथरी दी होग, बिल्कुल चिट्टा नकेबला पानी आई जाग, ते समझो तुहाड़ा जेह्ड़ा तरखीरा बनना ओह् बिल्कुल साफ सुथरा और बगैर कुसै मुश्क दे बनना। केईं बारी तुसें तरखीरा, मैं दिक्खेआ मते लोग उस वजह ने भी नहीं खंदे कि दे स्मैल होई जांदी है। स्मैल इस्सै वजह ने होंदी है कि अगर गंदा पानी रेही आए ते जां फिर सही सुक्के दा नहीं होवे। तां एह् दिक्खो असें इसी बार 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 उसले तक धोना जद तक एह्दे च नकेबला पानी नहीं आई जा। एह् दिक्खो पानी बिल्कुल साफ साढ़ा आई गेआ। हून असें इसी पीना शुरू कर देना। पैह्ले लोग ते डंडे कुंडे गै पींदे हे, पर अजकल मिक्सी थोड़ा सौखा कम्म होई दा। इसी तुसें थोड़ा थोड़ा पाइयै कनका दे दाने ते जरा सारा पानी पाई पाइयै इसी तुसें पीने पींदे जाना। फ्ही कुसै मलमल दे कपड़े कन्नै, जां जियां हून मेरी पूनी जेह्ड़ी है एह् शैल है, एह्दे कन्नै मैं आस्ता आस्ता करियै एह्दा दुद्ध जिन्ना भी है इसी असें कड्ढदे जाना। इसी तरकीरे गी अंग्रेजी च वीट मिल्क हलवा भी आखदे न। एह् जेह्ड़ा वीट मिल्क है जां कनका दा जेह्ड़ा एह् दुद्ध है, एह्दे कन्नै जेह्ड़ा भी अस बनाने आं डिशेज जियां हलवा बगैरा बनाने आं एह्दा, जां केईं लोग एह्दा दुद्ध भी बनांदे, खीर भी बनांदे न, एह् सुआद ते होंदियां ही होंदियां न पर ताकतवर बड़ियां ज़्यादा होंदियां न। इसी असें इ'यां इ'यां करियै ते बाद च जेह्ड़ा एह् बचेआ इसी असें सुट्टी ओड़ना। जेह्ड़ा तरखीरा बनाया जंदा पाउडर, ओह् भी इ'यां गै बनाया जंदा। उसी पाउडर गी बनाने आस्तै पानी उप्परा नथार लैना ते प्लेटें च पाइयै सकाई लैना। 1-2 दिन बाद में ओह्दा भी वीडियो पाई देंग। इत्थे हुन में कढ़ाई ले ली इक, एह्दे च असें 1/2 कौली पानी पाया। 1/2 कौली पानी पाने दे बाद एह्दे च असें पाई लैनी खंड। तुस चाहो ते गुड़ च भी बनाई सकदे हो, पर गुड़ अगर थोड़ा काला आंदा। किश लोग इसी कैरामलाइज करियै भी बनांदे, पर कैरामलाइज करने कोला बेहतर है, एह् सीधा साधा तरीका है। इत्थे असें 1 1/2 कौली खंड ले ली है। बस इसी असें हुन इसी घोली लैना। एह्दे च बड़ा सखल्ला कम्म है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इ'नें दिनें जियां कि मृक्स लाइयां होंदियां न, गर्मी बड़ी ज़्यादा होंदी है, ते लोग केह् करदे न इ'नें दिनें गै इसी बनांदे न। गर्मी दी वजह कन्नै फरमेंटेशन भी तौले होंदी, कनक गलदी भी तौले, ते जेह्ड़ा एह्दा तरखीरा जेह्ड़ा है एह् सुकदा भी तौले। लोग बड़लै गै जिस दिन तरखीरा बनाना होऐ ते बड़लै गै एह् जेह्ड़ा दुद्ध है इसी प्लेटें च पाइयै सकाई दिंदे। पानी बिल्कुल नथारी लैना ते फिर सकाई देना। एह् दिक्खो थल्ले इ'यां गै लेयर बनी जंदी है। हून असें इसी घोली लैना शैल करियै। जेह्ड़ी साढ़ी चानी ही असें बनाने लाई दी, ओह्दे च असें 3-4 लाचियां पाई लेइयां। इसी तुसें ल्हाने पौना, क्योंकि एह् जेह्ड़ा कनक दा दुद्ध जेह्ड़ा है एह् थल्ले बिल्कुल बड़े तौले जम्मी आंदा। ओह् इसी सुकने भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगदा है। इसी सुखाने दा मतलब एह् होंदा कि लोग इसी साल भर ताईं प्रिजर्व करियै रखी लैंदे, कट्ठा करियै, ताकि इसी साल भर इस्तेमाल कीता जाए। पर इत्थे अस बड़ा आसान तरीका जेह्ड़ा तरखीरा बनाने दा ओह् इ'यै ही है। बस इसी असें चानी च पाया। बस हून असें चलांदे रौह्ने पौना। जेह्ड़ा स्हेई कम्म तौले कम्म जेह्ड़ा है ओह् इत्थों शुरू होंदा कि एह् बड़े तौले कट्ठा होई जंदा।
जियां जियां तुसें इस च कड़छी मारदे जाना, एह् कट्ठा होंदे जाना और इहदी जिहड़ी चमक है ना ओह् बिल्कुल इ'यां आंदी जियां तुसें पोर्सलिन दिक्खे दा होना जां शीशा दिक्खे दा होना, उस तरीके दी पूरी चमक आंदी इस हलवे दी। और जिनें लोकें खाद्धे दा ओह्दे दा सुआद भुल्ली नहीं सकदे। बस हून असें एह्दे च घ्यो पांदे जाना, घ्यो तुसें उसले तक पाने पौना दो चार बारी जिसले तक कि थोड़ा घ्यो कढ़ाई जेह्ड़ी है ओह् घ्यो छोड़ना नहीं शुरू करदे, जियां एह् सारा इकट्ठा होना शुरू होई जाए। बस इ'यां करियै थोड़ा हलवा तैयार होई जाता। तुस इसी जूम करियै भी दिखो, ड्राई फ्रूट तुस इहदे च अपनी मर्जी दे काजू मेवे वगैरह भी पाई सकदे हो, सोगी भी पाई सकदे हो, पर मैं इत्थे थोड़े हरे बदाम गै पाए न। जेह्ड़े भी थोड़े टब्बर गी पसंद होन ओह् तुस पाइयै सर्व करी सकदे हो जां खलाई सकदे हो सभनें। एह् दिक्खो हां इहदी चमक, इहदी ग्रेस जेह्ड़ी है ओह् बिल्कुल इ'यां आंदी है जियां जैल होंदी है ना बिल्कुल। और इसी गर्म गर्म खाने का ते सुआद गै बड़ा होंदा, मुहें च पाना ते मतलब घुली जाना। जिन्हें बच्चें जां बजुर्गें गी कमजोरी होए जां नकसीर बगैरह चलदी होए उ'नें भी लोग स्पेशली खलांदे न, आखदे एह्दे च ताकत बड़ी ज़्यादा होंदी है। इसी सवेरे अगर कोई इक कोली खाई लै ते ओह्दे कन्नै इक गलास दुद्ध पी लै, मिगी नहीं लगदा उसी सारी ध्याड़ी रुट्टी खाने की भी जरूरत पवै। साढ़े घर मेरे अपने दादी दादा हे जां बाकी बड़े बजुर्ग हे, अज भी अस याद करने हैं कि 100 साल दे होने बाद भी उनेंगी ऐनका तक नहीं लगियां और सानू लोकें 40 साल पुजदे गै लगी हैं। वो बरसाती दे दिनें खुला बनांदे हे और खूब खंदे हे और साल भर दे खाना ही खाना, पर बरसाती दे दिनें जियां घुंगरियां तरखीरे एह् वो सारा कुछ खंदे हे। आखने मतलब ये चीज़ां जड़ियां न, स्वाद तो इंदा है ही है पर इंदी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। ये साढ़े डुग्गर का एक ऐसा स्वाद है जिसकी लोग आलमोस्ट भुली चुके दे न। उम्मीद करूँ तुसी सारे इसी बनागे और सबने ही खिलागे। ये जड़ा तरकीरा जा तरखीरा जियां भी थोड़े इलाके चाहते होने सी, उम्मीद करूँ तुस बनागे जरूर। तुंदा सारें दा मता मता हिरखी धन्नवाद। सनायो जरूर तुसें आखिरी बारी खादा कदों हाँ ते तुस कियां बनांदे हो इसी। मते सारे लोग इसी गुड़ पाइयै भी बनांदे न, कुछ शहद पाइयै भी बनांदे न, पर इत्थे मैं इसी इ'यां गै बनाया थोड़े सामने। उम्मीद करूँ तुहानू पसंद आया होग। तुंदा सारें दा मता मता हिरखी धन्नवाद।